ये असल में रिलेशनशिप अमंग थियरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस, थियरी रिसर्च और प्रैक्टिस इन तीनों के दरमियान क्या ताल्लुक है, इस ताल्लुक के हवाले से हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है इस यूनिट के डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन थियरी एंड रिसर्च, थियरी एंड रिसर्च के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, थियरी और रिसर्च आया एक दूसरे को इफेक्ट करती है या नहीं, तो इसके हवाले से बात करेंगे। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, थियरी एंड प्रैक्टिस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आया ये दोनों एक दूसरे को मुतासिर करती है या नहीं। इसके अलावा एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस, रिसर्च एंड प्रैक्टिस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसी तरह से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन में आप, जी, सर जो ये आपने चैप्टर स्टार्ट किया है ये शेयर किया है अभी मैं शेयर कर दूंगा आप स्टूडेंट्स के साथ। जी सर, थैंक यू। और इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसमें ऑलरेडी मैंने तमाम सब्जेक्ट के फाइल मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं। तो ये वही फाइल है जो कि मैंने आपके साथ वही उस ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। ठीक है, थीके? जी सर, इंट्रोडक्शन। मेनी नर्सेज लेक अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमंग थियरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस एंड इट इम्पोर्टेंस टू द कंटिन्यूइंग डेवलपिंग ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, पहली पैराग्राफ में आपको ये बात बताई गई है कि बहुत सारे नर्सेज ऐसे हैं कि उनको थियरी रिसर्च और प्रैक्टिस के दरमियान जो रिलेशनशिप है तो इसके बारे में उनको पता नहीं है, और ना ही वो प्रॉपर तरीके से इसके बारे में समझ बूझ रखते हैं, और ना ही इनको जो है इसके बारे में, इसकी जो अहमियत है उसके बारे में पता है कि थियरी रिसर्च और प्रैक्टिस जो है इसकी क्या अहमियत है नर्सिंग प्रोफेशन में। ठीक है, इसी तरह से फिर कहते हैं कि एज अर्ली एज इन द 1970s नर्सिंग स्कॉलर कमेंटेड ऑन द रिलेशनशिप अमंग थियरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस। 1970s के शुरुआत में जितने भी नर्सिंग स्कॉलर्स थे, मतलब जो नर्सिंग थियोरिस्ट थे, ठीक है, नर्सिंग जो रिसर्चर थे, तो उन्होंने थियरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस के हवाले से कुछ बातें की थी। ठीक है, नर्सिंग लीडर्स अर्ज दैट नर्सिंग रिसर्च बी कंबाइन विद थियरी डेवलपमेंट टू प्रोवाइड अ रेशनल बेसिस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, इसी तरह से जो नर्सिंग थियरिस्ट थे तो उन्होंने ये बात की थी कि नर्सिंग रिसर्च जो है इनको हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए और मुसलसल जो है नर्सिंग रिसर्च करनी चाहिए, ताकि हम मुसलसल नर्सिंग थियरी जो है उसको हम डेवलप करते रहे, और इसी तरह से अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको हम क्या करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस बनाए। मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम केयर देते हैं अपने पेशेंट को, तो उस केयर के बारे में हमारे पास मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो केयर दे रहे हैं आया इससे हमारे पेशेंट पर असरात जो पड़ेंगे वो ठीक होंगे या गलत होंगे। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से मालूम हो, जैसे कि जब आप अपने पेशेंट को आईवी लगाते हैं, आईवी में कोई फ्लूइड आप उनको दे रहे हैं, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो फ्लूइड आप अपने पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं तो इस फ्लूइड की वजह से आपके पेशेंट पर किस तरह के असरात जो है वो मुरतब होंगे, आपके पेशेंट जो है किस तरह से रिस्पॉन्ड देंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से उन्होंने ये बात की थी कि रिसर्च को कंटिन्यू रखनी चाहिए, नर्सिंग रिसर्च को, क्योंकि इससे जो नर्सिंग थियरी है वो क्या होगी, वो मुसलसल जो है उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी, नए नए नर्सिंग थीरीज जो है वो डेवलप्ड होंगे, और इसी तरह से जब थीरीज डेवलप्ड होंगे तो हमारी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है वो मुसलसल क्या होगी, वो मुसलसल इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से फिर मजीद कहते हैं कि इन अप्लाइड डिसिप्लिन सच इज नर्सिंग प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द थीरीज दैट आर वैलिडेटेड थ्रू रिसर्च। ठीक है, आजकल की अगर हम बात करें, अप्लाइड डिसिप्लिन से मुराद आजकल की अगर हम बात करें, जितनी भी हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस करते हैं तो इन प्रैक्टिसेस की जो बुनियाद है वो थियरीज है। हमने थियरीज को स्टडी करते हुए इन प्रैक्टिसेस को क्या किया है,
किया है। और ये थीरीज हमने कहाँ से ली है, ये थीरीज हमने रिसर्च के जरिए इन थीरीज को हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है, इसकी हमने वैलिडेशन की है। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि थीरी रिसर्च और प्रैक्टिस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। द थीरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस इफेक्ट ईच अदर इन अ रेसिप्रोकल साइक्लिकल एंड इंटरेक्टिव वे। इसी तरह से थ्योरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस जो है ये एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा जो है इंटरडिपेंडेंट है, और एक दूसरे को ये क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए आपको मॉडल के जरिए समझाया जा रहा है कि रिसर्च जो है, थ्योरी जो है ये रिसर्च पर डिपेंड करती है, रिसर्च जो है इसी तरह से प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस जो है ये थ्योरी पर डिपेंड करती है। तो ये रिसर्च थ्योरी और प्रैक्टिस जो है ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, यहाँ पर अब हम बात करेंगे थ्योरी एंड रिसर्च के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर। ठीक है, रिसर्च वैलिडेट एंड मॉडिफाई थ्योरी। सबसे पहली बात तो यह है कि रिसर्च के जरिए हम अपनी जो थ्योरीज है उसको हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, उसकी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी है, ठीक है, इन्वायरमेंटल थ्योरी, जो फ्लोरेंस नाइटिंगल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी पेशेंट को अगर आप जल्दी हीलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहां पर उनको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो मुहैया हो, जहां पर उनको जो है प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम मौजूद हो, जहां पर उनको जो है किसी किस्म की एक्स्ट्रा नॉइज जो है वो ना हो, जहाँ पर जो है वो कंफर्टेबल फील करता हो, जहाँ पर जो सैनिटेशन प्रोसेस है वो नॉर्मल हो। तो इससे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मरतब होंगे। तो इन बातों की वजाहत को वेरीफाई करने के लिए, इन बातों को सच साबित करने के लिए लोगों ने क्या किए, लोगों ने रिसर्च किए, लोगों ने मुख्तलिफ पेशेंट को मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रखे और उन इन्वायरमेंट के पेशेंट पर क्या असरात मुरतब होते हैं उसको नोट किया। तो जब नोट किया तो उनको पता चला कि फ्लोरेंस नाइटिंगल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी में जो बातें की थी तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि माहौल जो है इसका बहुत गहरा असर होता है पेशेंट की हेल्थ स्टेटस पर। तो इस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगल की जो थ्योरी है वो रिसर्च के जरिए क्या हुई, वैलिडेट हुई, मतलब उन्होंने जो बातें की थी उसकी क्या हुई, उसकी तस्दीक हो गई। और इस तरह से मॉडिफिकेशन की अगर ज़रूरत हो तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस भी उस रिसर्च के जरिए की जाती है। तो रिसर्च के जरिए हम क्या करते हैं, थ्योरी को वैलिडेट करते हैं, थ्योरी की तस्दीक करते हैं और उसको ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। इन नर्सिंग, थ्योरी स्टिमुलेट नर्स साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। इन डूइंग सो द पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज इंक्रीजेस। ठीक है, नर्सिंग में अगर हम बात करें तो थ्योरी जो है ये क्या करती है, थ्योरीज के जरिए नर्सिंग साइंटिस्ट जो है उनको एक स्टिमुलेशन मिलती है, उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि वो मजीद क्या करे, वो मजीद नर्सिंग फील्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करे, उस पर रोशनी डाले, उसको एक्सप्लोर करे। और जब इस तरह से वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की वजह से उन मसाइल के हवाले से नॉलेज जो है वो नर्सेस के पास आ जाती है, और इस तरह से जो नर्सिंग नॉलेज है उसमें मजीद जो है क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, उसमें इंक्रीज आ जाती है। व्हेन एम्पिरिकल टेस्टेड द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई, मॉडिफाई, डिसप्रूव और सपोर्ट अ थियोरेटिकल प्रोपोजिशन। ठीक है, और इसी तरह से जब इन नॉलेज को फिर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, जब इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं तो उन रिजल्ट्स के जरिए अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव हो तो उसके ज़रिए फिर हम अपनी जो रिसर्च है उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, अगर उसमें हमें चेंजेस की ज़रूरत हो तो उन चेंजेस को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर वो बातें सच ना हो तो फिर उस थ्योरी को हम क्या कर लेते हैं, डिसप्रूव कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, या उस थ्योरी की जो थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन है उसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो रिसर्च जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है
क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है थ्योरी पर, और थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है रिसर्च पर। कोई भी थ्योरी उस वक्त तक जो है उस वक्त तक जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती जब तक उस पर रिसर्च करके उसको वैलिडेट ना किया जाए, ठीक है, उसको देखा ना जाए कि जो बातें की गई है आया ये सच है या नहीं। तो रिसर्च एंड थ्योरी के दरमियान एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह से रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस के दरमियान क्या ताल्लुक है। थ्योरी गाइड प्रैक्टिसेस, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि थ्योरी जो है ये एक गाइडलाइन के तौर पर क्या करती है, रोल प्ले करती है, ये एक गाइडेंस के तौर पर रोल प्ले करती है, ये हमें बताती है कि नर्सिंग प्रैक्टिस हमने किस तरह से करनी है, किस तरह से हमने अपने पेशेंट को जो है केयर देना है, कैसे हम अपने पेशेंट को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के हवाले से थ्योरी जो है ये हमें क्या करती है, हमें रहनुमाई देती है, ठीक है। वन ऑफ द प्राइमरी यूज ऑफ थ्योरी इज टू कंट्रीब्यूट इनसाइट अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस सिचुएशन थ्रू प्रोविजन ऑफ गोल्स फॉर असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। थ्रू प्रैक्टिस नर्सिंग थ्योरी इज शेप्ड एंड गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिस इवॉल्व। थ्योरी रेंडर्स प्रैक्टिस मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव, एंड द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ थ्योरी एप्लीकेशन इन नर्सिंग इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लाइंट केयर, ठीक है। वही बातें कही गई है जो अभी मैंने आपको बताई कि थ्योरी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी प्रैक्टिसेस को क्या करती है, उसकी रहनुमाई करती है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो केयर दे रहे हैं अपने पेशेंट को, आया हम ठीक तरीके से दे रहे हैं या नहीं, या अगर हमें उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत हो तो ये भी हमें क्या करती है, थ्योरी से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई है, और इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि थ्योरी के जरिए हम अपनी जो नर्सिंग कीयर है क्लाइंट के लिए उसको क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि हमारे क्लाइंट को जो है क्वालिटी कीयर मिले, ठीक है। तो क्वालिटी कीयर देने के लिए ज़रूरी है कि थ्योरी को हम क्या करें, स्टडी करें, ताकि हमें हर एक चीज़ के बारे में पता हो। समझ आ रही है? रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस, अब हम बात करेंगे रिसर्च और प्रैक्टिस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है इस पर, ठीक है। रिसर्च इज द की टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। रिसर्च जो है ये असल में एक बुनियाद है किसी भी किस्म की प्रैक्टिस को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम थ्योरी पर रिसर्च नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि थ्योरी में जो बातें की गई है आया वो सच है या नहीं। जब हम रिसर्च के जरिए उसको सच कर लेते हैं, उसकी तस्दीक कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर हम उसको प्रैक्टिकली जो है उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो रिसर्च के बगैर हम किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिसर्च जो है ये बुनियादी चीज़ है किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करने के लिए। मिडिल रेंज एंड प्रैक्टिस थ्योरी मे बी टेस्टेड इन प्रैक्टिस थ्रू क्लिनिकल रिसर्च। इसी तरह से जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मिडिल रेंज और जो प्रैक्टिस थ्योरी है इसको हम क्या करते हैं, इस कि हम जो है टेस्टिंग कर सकते हैं रिसर्च के जरिए, ठीक है। इफ इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स आर टू डेवलप एक्सपर्टीज दे मस्ट पार्टिसिपेट इन रिसर्च। इन समरी देयर इज अ नीड टू इंकरेज नर्सेज टू टेस्ट एंड रिफाइन थियोरीज एंड मॉडल्स टू डेवलप देयर ओन पर्सनल मॉडल्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सिंपल बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर कोई प्रैक्टिशनर जो है वो जो है एक्सपर्टीज गेन करना चाहता है, वो मास्टर बनना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, वो मुख्तलिफ नर्सिंग प्रैक्टिस पर क्या करे, रिसर्च करे। जब वो मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च करेंगे तो इस तरह उनके पास नॉलेज जो है वो ज़्यादा आएगी। जब नॉलेज उनके पास ज़्यादा आएगी तो उसको फिर हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। जब उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो इस तरह से उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समराइजेशन, अच्छा जी, तो ये आपके यूनिट नंबर 2 था जो कि ख़त्म हो गया है अल्लाह के फजल और करम से। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं? इतना जी, शॉर्ट सा था ये चैप्टर, हाँ जी, ये इतना शॉर्ट था।
क्योंकि हमारी जो पीएम जो है ना, इसके अंदर पेप्टाइड बहुत कम है, ये तो उन्होंने 2 पेज के अंदर ही खत्म कर दिया है। ये वाला यूनिट जो है, ये वाला यूनिट शॉर्ट है क्योंकि इसमें जो बेसिक बातें थी रिसर्च, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो उसके हवाले से बताना था कि इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सो इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो बातें करने की ज़रूरत भी नहीं थी, जो बुनियादी बातें थी वो ऑलरेडी आपको पहले यूनिट में ही मैंने बताए थे। यहाँ पर आपको जस्ट उसकी रिवीजन मैंने दोबारा से आपको करवाई, ठीक है? तो इसकी समझ आ गई आपको क्या? नहीं सर इसमें मेन यही है कि रिसर्च जो है उतनी देर तक कंप्लीट नहीं है जितनी देर तक थ्योरी, और मतलब थ्योरी होगी तो रिसर्च होगी, रिसर्च होगी तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो हमारी रिसर्च जो है वो सारी कंप्लीट मतलब सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है पोस्ट आर एन अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो स्किल ऑलरेडी मौजूद है, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता है कि कौन सा स्किल हमने कैसे करना है और कब करना है, ठीक है? आपके पास स्किल्स मौजूद है लेकिन फिर भी आप लोग जो है पोस्ट आर एन कर रहे हैं, तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि आपको उन स्किल्स के बारे में पता चले जो आप लोग ऑलरेडी डेली लाइफ में जो है उसको परफॉर्म करते हैं, और जो मेडिसिन आप अपने पेशेंट को देते हैं तो उन मेडिसिन के बारे में आपके पास जो है नॉलेज आ जाए, ठीक है? तो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपसे पोस्ट आर एन अभी की जा रही है, ठीक है? तो पोस्ट आर एन जब आप लोग कर लेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है फिर ना सिर्फ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकेंगे, बल्कि आप लोग जो है अपने दूसरे नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे और उनको फिर आप पढ़ा सकेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। सो बात करने का मकसद ये था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाए, आपकी प्रैक्टिस जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? नॉलेज आपको थ्योरी से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ये वैलिड है, तो वैलिड होने के लिए आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। आप रिसर्चेस क्या करेंगे? स्टडी करेंगे जहाँ पर आपको उन थ्योरीज के बारे में बताया जाएगा कि इस थ्योरी में ये बात की गई थी और इस थ्योरी के हवाले से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये रिजल्ट्स जो है वो मिल गए, जिससे हमें ये पता चलता है कि थ्योरी में जो बात की गई थी तो वो बात बिल्कुल ठीक थी। तो जब आपको रिसर्च से बात की जो है वो तस्दीक हो जाए, थ्योरी में जो बात की थी उसकी तस्दीक हो जाती है, तो इस तरह से फिर आप जो प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर आप फिर मुकम्मल तौर पर श्योर होते हैं और आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो रिसर्च, थ्योरी और प्रैक्टिस, इन तीनों का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है? समझ आ रही है आपको?